उत्तराखंड स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर राजेश कुमार ने मसूरी उप जिला चिकित्सालय का औचक निरीक्षण किया। इसके बाद अस्पताल में हड़कंप समझ गया। स्वास्थ्य सचिव द्वारा उप जिला चिकित्सालय में अव्यवस्थाओं और गंदगी को देखकर जमकर संबंधित अधिकारियों को फटकार भी लगाई गई। वो अस्पताल में नियुक्त डॉक्टर और कर्मचारियों की अनुपस्थिति पर CMS से जवाब तलब किया। उन्होंने अस्पताल प्रबंधन को अस्पताल में तैनात डॉक्टर और कर्मचारियों को बिना CMO की अनुमति के निर्देश दिया। सचिव के द्वारा अस्पताल में इमरजेंसी रूम, डॉक्टर कक्ष, ICU, CT स्कैन, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे और बाकी मशीनों की भी जांच की गई। इस मौके पर उन्होंने DG हेल्थ उत्तराखंड को फोन पर निर्देश दिया कि वो तत्काल मसूरी में रहकर मसूरी के उप जिला चिकित्सालय की सभी कमियों को जल्द से जल्द दूर करें। चल भाई, इससे कुछ नहीं होता। कैसे आए, कैसे लेके आए आप? अपने आप ही आए? मैं हम अपने तो 108 भी तो सरकार अब कॉल कर सकते थे, उससे भी आ सकते थे ना। सरकार मैं क्या कर देगी, क्योंकि लड़की मैं कैसे से काउंटर पे लिखा हुआ था। अच्छा, और डिलीवरी कभी होती है तो बताना सबको, ठीक है ना? ठीक है, चल मुबारक हो। ठीक है, थैंक यू। तो पति देखिए, हम लोग निरंतर हॉस्पिटल्स का निरीक्षण करते ही रहते हैं। अभी हाल ही में डिस्ट्रिक्ट रुद्रप्रयाग में जितने भी मेडिकल फैसिलिटीज़ थी, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और चमोली का भी निरीक्षण किया, और जो फैसिलिटीज़ हैं चाहे HR के हों या इक्विपमेंट्स रिलेटेड हो, उसका जायज़ा मेरे द्वारा लिया जाता है। तो इसी क्रम में आज की छुट्टी भी थी, तो स्वास्थ्य व्यवस्था का जायज़ा लेने मैं यहाँ पे सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल मसूरी आया। और कुछ चीज़ें थी जो इम्प्रूव करने लायक हैं, और कुछ चीज़ें, कुछ खामियाँ भी पाई, और उस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे, और सिस्टम को और सुदृढ़ करने के लिए जो यथोचित कार्रवाई करनी हो वो करेंगे। स्टाफ की कमी तो है ही, उसके अलावा जो स्टाफ यहाँ पे तैनात है वो भी रेगुलर तरीके से यहाँ पे नहीं आ रहा है, ये भी एक इशू है। इसको कैसे ठीक करना है, इसकी विस्तृत कार्य योजना हम लोग बनाएंगे। ये भी पाया मैंने यहाँ पे कि काफ़ी सारे लोग PG पढ़ाई के लिए भी जो है छुट्टी लेके यहाँ पे नहीं हैं, और कोशिश ये रहेगी कि उसकी कैसी भरपाई हो वो भी हम लोग सोच रहे हैं। बाकी कुछ अच्छी चीज़ें भी पाई, जैसे यहाँ पे CT मशीन भी है, CT मशीन यहाँ पे काम कर रहा है, और एक हम लोग और व्यवस्था को जो है अकॉर्डिंग टू दी स्ट्रक्चर ऑफ दिस हॉस्पिटल हम लोग फ्यूचर में MRI अगर दे सकते हैं उसकी भी संभावनाएं हम लोग तराश करेंगे। देखिए, फिलहाल सबसे पहले तो हम लोगों ने 26 डॉक्टर्स की तैनाती वहाँ पे की है रोटेशन बेसिस पे। इसके अलावा हम लोगों ने 2 साइकियाट्रिस्ट भी भेजे हैं ताकि वो कोई भी मानसिक प्रॉब्लम से ग्रस्त हो तो उनके काउंसलिंग करने के लिए, और डायरेक्टर गढ़वाल को हम लोगों ने वहाँ पे पोस्ट कर दिया है, और वो निरंतर वहाँ पे कोऑर्डिनेशन में है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ भी और CMO के साथ भी। मेडिसिन पूरी उपलब्ध है सर वहाँ पर? मेडिसिन सब उपलब्ध है, और हमने हम लोगों ने DM से भी मेरी बात हुई है, और कोई भी ऐसी कोई परेशानी हो तो हम लोग तत्पर हैं, और हम लोग मेडिसिन इमीडिएटली भेजने की स्थिति में भी हैं।